Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mehmet Ali Yusuf, NAT Normal Chinese. Assalamu alaikum. Aaj hum class 10th, chapter number 2, exercise 2.6 start karenge. Isme hum method use karenge, synthetic division wala method use karenge. Aap log apni book ka page number open karenge 37. और सिंथेटिक डिवीजन पेज नंबर 35 इसमें पूरी डिटेल है इसके स्टेप्स हैं वन बाय वन स्टेप इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन ये स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है ये हमने क्वेश्चन लिखा है इसके पहले कोफिशिएंट बनाने हैं सबसे पहले हम इसे उठाएंगे x प्लस वन x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, or a is equal to minus 1. ये हमारे पास value आ गई. अब हमने क्या करना है? ये हमारे पास linear equation दी हुई है, x square plus 7x minus 1. अब हम इसमें सबसे पहले क्या करना है? x square plus 7x minus 1. अगर इसके अंदर कोई value suppose ना दी हुई है जिस तरह x2 x3 x2 ना हो तो उसके लिए हम लोग 0 यूज करेंगे अब कैसे x2 x1 0 0 यहां क्या यूज करेंगे हम लोग जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू से हमने क्या यूज करना है 0 अब 1 7 minus 1 ये आ गया अब हमारे पास जो वैल्यू थी जो हमने निकाली थी पहले पहले इससे हमने क्या कर देंगे इसे डिवाइड कर देंगे माइनस पहले की पहली वैल्यू एज इट इज हमने इसमें लिख देंगे वन आ गया अब इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन वन जा वन प्लस माइनस 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 वन आ गया ये सिक्स आ गया अब हमने क्या करना है इस माइनस वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स माइनस सेवन हमारे पास वैल्यू निकल आई अब जो लास्ट वैल्यू होगी है उसे हम सेपरेट कर देंगे ये हमारे पास बन जाएगा रिमाइंडर और ये जो है ये बन जाएगा कोफिशिएंट क्या बन जाएगा कोफिशिएंट क्यू यू हाँ जी क्यू यू कोफिशिएंट कोफिशिएंट हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स प्लस सिक्स और इसे हम आर से शो करेंगे इसे हम लोग कैपिटल क्यू से शो करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास सही ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू फोर एक्स की पावर थ्री टू पार्ट 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे x प्लस 3 की वैल्यू हम सपोज करेंगे x plus 3 is equal to 0 and x is equal to minus 3 and a is equal to minus 3 के अंदर ठीक है अब इसके कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे हम लोग x के ये हमारे पास क्या आ जाए अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं 3 2 x 0 ठीक है
थ्री के बाद टू आ गया, टू के बाद वन, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 2 3 4 7 0। अब 3 की जगह 4 एक्स है, माइनस 5 और ये 15, यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे 0। अब ये जो मैंने एक्स के ऑप्शन लिखे हैं, लाजमी नहीं आप लोग अप्लाई करें, अच्छी बात है लिख दें, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको समझाने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये लिख, बुक वालों ने नहीं दिए। अब हमारे पास क्या है इसका, माइनस 3, फर्स्ट एज इट इज लिख दें 4 आ गया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा माइनस 12, ये माइनस 12 वैसे के वैसे हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36 आ गया। 36 में अगर हम ये आ जाएगा हमारे पास 31, ठीक है, 36 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 31 आएगा। 31 को 3 से 3 वन जा 3, 3 3 जा माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास ये है, ये रिमाइंडर आ गया और ये कोफिशिएंट आ गया। अब 93 में से हम 15 कट कर दें, 93 माइनस 15 माइनस 78। अब देखो एक्स टू एक्स वन ये 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट, एक्स टू माइनस 12 एक्स प्लस 31 एंड रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा माइनस 78। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। कोफिशिएंट है एक्स के, इसलिए स्मॉल एक्स भी आप इसे लॉग में शो करें। अब करेंगे हम इसका पार्ट, थ्री पार्ट के एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स टू माइनस 3x माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, डिवाइड किससे करना है, हमने x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं डिवाइड के, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 सच एज एक्स इज इक्वल टू 2 सच एज ए इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब कोफिशिएंट आप एक्स फाइंड करेंगे, अब ये सिक्वेंस से एक्स 3 एक्स 2 एक्स और 2, 1 1 माइनस 3 2, ये हमारे पास वैल्यू होगी 1 1 माइनस 3 और 2। अब हमने किससे इसे डिवाइड करना है, 2 से, 1 वैसे का वैसे 2 1 जा 2, 3 3 2 जा 6, 3 और 2 3 जा 6 4। अब कोफिशिएंट क्या आ गया 1, 3 3, रिमाइंडर क्या आ गया 4। कोफिशिएंट x इज इक्वल टू x 2 प्लस x 3x प्लस 3 एंड रिमाइंडर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन फाइंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ h using synthetic divisions if 3 is the zero of the polynomials, कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अच्छा पॉलीनोमियल हमारे पास क्या है 2
एक्स की पावर थ्री क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट टू एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एच एक्स टू प्लस नाइन, प्लस के हमारे पास नाइन। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या फाइंड आउट, हमें क्या करनी है, हमारे पास कोफिशिएंट इफ द जीरो ऑफ द थ्री, ठीक है ना। हम क्या ले लेंगे इसका डिवीजन, किससे करेंगे, थ्री से। अब क्या फाइंड करेंगे, अब देखो टू है और वन नहीं है, वन की जगह हमने इसमें क्या यूज करेंगे, जीरो। एक्स थ्री एक्स टू एक्स और जीरो, ठीक। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टू माइनस थ्री एच यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नाइन, ठीक है। ये हमारे पास, अब डिवाइड किससे करना, थ्री से। डिवाइड हमने किससे करना, थ्री से। टू थ्री टू जा सिक्स, ये क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री एच। अब जब इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटीन, और ये क्या हो जाएगा, नाइन। एटीन माइनस नाइन एच, ये सेम एज इट इज, एटीन माइनस नाइन एच। उसके बाद दोबारा ये थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन एच। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन एच, ये हमारे पास आंसर। अब ये हमारा टोटल है कोफिशिएंट, ये हमारे पास रिमाइंडर। अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, हमने एच की वैल्यू इसमें से क्या करना है, फाइंड करना। थ्री जीरो पॉलीनोमियल, देयर फोर रिमाइंडर इज जीरो, दैट इज सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन एच इज इक्वल टू जीरो। अब ट्वेंटी सेवन एच इस साइड पे ले जाए, सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एच। अब ये ट्वेंटी सेवन इसके नीचे, एच इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री ओवर ट्वेंटी सेवन। नाइन की टेबल, सेवन ओवर थ्री, ये हमारे पास आंसर आ गया, सेवन ओवर थ्री। क्या आंसर आ गया, सेवन ओवर थ्री। अब इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट, माइनस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स एंड टू एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव एच एक्स, टू एक्स की पावर थ्री, टू एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव एच एक्स प्लस फाइव एच एक्स, फाइव एच एक्स और माइनस ट्वेंटी थ्री। माइनस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने माइनस वन से। अब सबसे पहले हमने क्या मेथड यूज करना है, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू, एक्स और ये जीरो, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, टू जीरो फाइव एच, इसे दूर कर दें, माइनस ट्वेंटी थ्री, माइनस ट्वेंटी थ्री। अब किससे हमने करना है, माइनस
1 से 2 एज इट इज माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 5h प्लस 2 ये उसके बाद माइनस 5h माइनस 2 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 5h माइनस 2 माइनस 23 माइनस 25 आ गया। अब इसमें क्या बताया था उन्होंने, माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स। अब हमने इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कोफिशिएंट ये रिमेंडर माइनस 5h माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो माइनस 5h 25 5 इधर आ जाएगा h इज इक्वल टू 25 ओवर माइनस 5 h इज इक्वल टू माइनस 5 इसका आंसर आ गया। 5 वन जा 5 5 5 जा 25 इसका आंसर आ गया ठीक है 5 माइनस 5। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझें। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। अब इसमें क्या हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एल और एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें पॉलीनोमियल कंडीशंस भी दो हैं, हमारे पास पहले के एक्स प्लस 3 इसके फैक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 ये दो फैक्टर हो गए। उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल एक्स प्लस। अब हम इसमें क्या करना है, दो करना है सिंथेटिक डिवीजन ठीक है ना। एक हमने फाइंड वैल्यू इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है ठीक है ना। अब इसमें दो मेथड यूज करेंगे हम, यकदम दोनों बात। अब ऐसे कर लेते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 ठीक है, और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास वैल्यू होंगे। अब हम ये दो क्वेश्चन बनाएंगे, थ्री टू वन, एक्स 3 एक्स 2 एक्स और 0 ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 1 4 2 L। हमारे पास क्या है, माइनस 3, 1 क्या एज इट इज वैसे क्या वैसे 1 को ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा ठीक है, 1 माइनस माइनस 3 ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। आप क्या करेंगे, माइनस 3 टू एल माइनस 3 टू एल माइनस 3 हो गया। अब 2l माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, अब ये क्या हो गया, ये l है, ये क्या l है,
12, अब ये हो जाएगा माइनस 6 एल प्लस 9, ये हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, माइनस 6 एल प्लस 9। और जब ये हो जाएगा एम माइनस 6 एल प्लस 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या आ गई हमारे पास, एम माइनस 6 एल प्लस 9, थोड़ा सा संभाल हो गया, ठीक है। अब रिमाइंडर इसका क्या निकला है हमारे पास, एम माइनस 6 एल प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्लियर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, एम माइनस 6 एल प्लस 9। अब ये स्टेप हम यूज करेंगे इस साइड पे, ठीक है, एक्स की पावर 3, एक्स 2, एक्स और 0, 1, 4, 2, एल और एम, 2, 1 एज इट इज वैसे का वैसे, 2 वन जा 2, 2 आ गया, 6, 12, 2L प्लस ये L है, 2L प्लस 12, अब ये 2 2 जा 4L प्लस 24, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक, क्लियर। अब इसे ऐड करेंगे 4L प्लस 24 प्लस N, ये ध्यान रखना, अगर हम इसे 4L प्लस 24 पहले लिख दें या एम एंड में लिख देंगे, एम स्टार में लिख देंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। 4L एम प्लस 4L प्लस 24, क्लियर। अब ये रिमाइंडर इसका क्या आ गया हमारे पास, 4L प्लस 24 प्लस एम, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज एडिंग इक्वेशन 2, एडिंग कर एम बल्कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एम माइनस 6 एल प्लस 9, उसके बाद सिक्वेंस से एम प्लस 4L प्लस 24, ये हमारे पास आ गया। आप क्या करेंगे कि साइन चेंज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, साइन चेंज कर दिए माइनस करते हुए, ये तो हो गया एंड माइनस 10L, ठीक है, माइनस 10L और ये 24 में से 9 गया तो आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मैंने लगाना है ये इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे उठाऊंगा, माइनस 10 L इज इक्वल टू 15, 15 इधर गया प्लस हो गया, L इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 10, 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, L इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। अब L की हवा हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आ गई वो होगी 3 ओवर 2। अब पुट दी वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन, फर्स्ट में डाल दें, टू में डाल दें, अब फर्स्ट में डालते हैं, देखें पुट दी वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट ये है, लिखना चाहे तो लिख दें पुट दी वैल्यू ऑफ एल इन
equation first. Put the value of L in equation first. अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? L की वैल्यू क्या है? माइनस थ्री ओवर टू. M वैसे का वैसे M माइनस सिक्स थ्री ओवर टू प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो. अब देखो टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, टू ये टू है, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, एम माइनस थ्री थ्री जा नाइन प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो. ये दोनों कैंसल, माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसल जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो. अब हमारे पास एम की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? नहीं एक मिनट, माइनस माइनस प्लस होता, सॉरी माइनस माइनस प्लस, एम इज इक्वल टू एटीन एंड एम इज इक्वल टू माइनस एटीन. ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? एम इज इक्वल टू एटीन. अब एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई एल की, और दूसरी वैल्यू ये आ गई हमारे पास एम की. हमने दोनों की दोनों वैल्यू फाइंड कर ली एल और एम की. ये क्वेश्चन फर्स्ट था. इसी तरीके से सेम एज इट इज इसका इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर इसका टू है. ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, ये एल की आ गई. हमें हमारे पास इसमें जो वैल्यू है वो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इसका पार्ट टू, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ठीक है. उसके बाद वो क्या कहते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल्स. अब पॉलीनोमियल हमारे पास क्या है? एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स एम एक्स प्लस सिक्स, ठीक है. ये हमारे पास है एक्स प्लस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन. अब ये तो सिंपलफाई यहीं पे हम इसे कर देते हैं. ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन और दूसरा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है. ये माइनस उधर जाएगा जीरो के. ये आप करना चाहें तो इसे एक्स माइनस वन जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन आ गया. एक्स प्लस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक. ये हमारे पास वैल्यू है. अब उसी तरीके से हम दो पोर्शन बना लेंगे, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू, एक्स और जीरो एक पार्ट, दूसरा पार्ट के हमारे पास एक्स की पावर थ्री, एक्स टू, एक्स और जीरो, ठीक. अब हमारे पास क्या है? वन माइनस थ्री एल, वन माइनस थ्री एल, टू एम और ये सिक्स, जीरो हम उठा के साइड पे ले लेते हैं. ये हमारे पास है. अब इसका डिवाइडर क्या है? वन, वन आ गया. वन वन सा वन माइनस थ्री एल प्लस माइनस थ्री एल प्लस वन हो गया. अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एल प्लस वन टू एम माइनस थ्री एल प्लस वन. ये हमारे पास वैल्यू आ गई टू एम प्लस माइनस माइनस
माइनस थ्री एल, हाँ जी माइनस थ्री एल है, ठीक है ना, ये हमारे पास माइनस है तो ये हमारे पास आएगी ये वैल्यू टू एम माइनस थ्री एल प्लस वन। अब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू एम माइनस थ्री एल प्लस वन, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, क्या आया इसका रिमाइंडर, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। अब दूसरा पोर्शन हम क्या करेंगे, वन माइनस थ्री एल टू एम और सिक्स, ये क्या हमारे पास माइनस वन, वन आ गया माइनस वन। अब माइनस थ्री एल माइनस वन, माइनस थ्री एल माइनस वन, जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री एल प्लस वन, अब हो जाएगा ये माइनस प्लस थ्री एल प्लस टू एम प्लस वन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थ्री एल प्लस टू एम प्लस वन। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री एल प्लस टू एम माइनस वन। जब माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारे प्लस चेंज हो जाएंगे किसमें, माइनस में। अब माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव होंगे, माइनस माइनस थ्री एल माइनस, माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव। अब इसको हम यहां लिख देंगे माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव। थोड़ी रिफ्लेक्शन जो है यहाँ क्लियर नजर नहीं है, प्लस फाइव है ये। माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमारे पास अब क्लियर नजर आ रहा है। माइनस ये थ्री एल माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। इक्वेशन वन इज एडिंग इक्वेशन टू, एडिंग इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन टू, एडिंग इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन टू, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन, अभी से अरेंज कर देंगे माइनस टू एम माइनस थ्री एल प्लस फाइव। अब हमने क्या कर दिया, इसे अरेंज कर दिया, जब अरेंज करेंगे ये एंड हो जाएगा माइनस सिक्स एल प्लस
5, 12 is equal to 0. Is equal to 0. अब 12 दूसरी साइड पे ले जाएंगे. Minus 6 L is equal to minus 2. 6 L is equal to minus 12. अब क्या करेंगे? Minus minus cut कर दें. Minus put. अब क्या करेंगे? ये 6 12 के नीचे आ जाएगा. L is equal to 12 over 6. L is equal to 2. अब हमारे पास L की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 2 हुई. L की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 2 हुई. अब हमने क्या करना है? Put the value of L in equation first. Put the value of L in equation first. L की वैल्यू क्या आ गई थी? 2. Put the value of L in equation 2. Put the ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट. अब L हमारे पास क्या है? यहाँ पे 3L है, लेकिन हमें क्या फाइंड हुआ L की वैल्यू? 2. 2M माइनस 3, L की वैल्यू क्या निकली थी? 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 2M माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब क्या 7 प्लस 6 क्या 1? 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब 2m आ गया, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1. उधर जाके हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1. अब m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2. m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2. l की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 2. हमारे पास 2 वैल्यू निकल आई. l की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, m की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 आ गई. क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कीजिएगा तो जितना हो सके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा. हमारे चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. गुड लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम मी.